दोस्तों बिग बॉस 17 में इन दिनों मुनावर फारूकी की चर्चाओं बहुत जोरों पर है और सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी पूरी लाइफ की और उनके पूरे इमेज की धज्जियां उड़ चुकी है बिग बॉस के घर में। बिग बॉस ने पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी है कि उनके खिलाफ ये मुहिम अपनाई जाए और जो भी आ रहा है आयशा आर्य इतना कुछ एलिगेशन लगा रही है, ऊपर से बाहर की नाम भी ले रही है। तो इसी बीच उन्होंने एक एपिसोड में नाम लिया था बाहर अंजलि का। अंजलि तो आपको पता ही है ना, सोशल मीडिया की बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है। हाँ दोस्तों, वही कच्चा बादाम वाली फेम, कच्चा बादाम को इतना फेमस कर दिया था अपने रील्स के जरिए। फिर तो उसके बाद वो लॉकअप में आई, लॉकअप में भी वो मुनावर के साथ थी और मुनावर था और विनर मुनावर फारूकी था लॉकअप पहला सीजन में। तो उसमें जो अंजलि और मुनावर की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, अंजलि खुद पसंद करती थी, खुद उसने मुनावर को उसमें आई लव यू बोला, तो बहुत चीज़ें हुई, लेकिन मुनावर ने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन बाहर आने के बाद अब वो इंटरव्यू दे रही है बहुत, या पहले कहाँ थी। तो जो एक और कंटेस्टेंट थे ना लॉकअप पे, शिवम, तो जिनकी अभी भी शादी हुई है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं वो शायद, तो उन्होंने खुद बताया है कि ऐसा कुछ नहीं था, अंजलि ही पीछे रहती थी, अंजलि ही मुनावर को पसंद करती थी, अंजलि ही चाहती थी कि मुनावर के साथ वो गेम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उसे पता था कि मुनावर की गेम कितनी स्ट्रांग है। तो इसी वजह से सारे जो आयशा भी ब्लेम कर रही है, मतलब ये है ना, कोई लड़की अगर कुछ भी कह दे वो सब कुछ हमें सही लगता है। तो आयशा ने भी अंजलि का नाम ड्रैग किया और अंजलि ने भी बाहर बहुत मीडिया में बोला कि उसको पता है कि बाहर की मीडिया में कब बोलना चाहिए, क्योंकि पहले क्यों नहीं बोला है, पहले अब आती अंजलि का तो पूरा चिट्ठा खोल देना तो बहुत चीज़ें आ जाएगी। तो इसी वजह से शिवम जो है उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था, लॉकअप के उसमें भी अंजलि ही पीछे पड़ती थी, अंजलि ही बहुत ज़्यादा लाइक से भी ज़्यादा, मतलब दोस्त से ऊपर मानती थी मुनावर को, लेकिन मुनावर ने कभी ऐसा नहीं समझा, ना लॉकअप में ना बाहर की दुनिया में, इसीलिए अंजलि ज़्यादा भड़क गई। और मेरा भी यही मानना है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना मिलने के बाद ही इंसान ऐसी हरकत करता है, जो सोशल मीडिया पे आके अपनी दलीलें देता है और ऐसे अपने आप को जाहिर करता है कि वो सही बाकी सामने वाला गलत। तो यही वजह से लग रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मुनावर फारूकी का जो अभी चल रहा है, हाँ मुनावर फारूकी ने गलती की होगी बहुत, लेकिन ऐसा तो नहीं दोनों तरफ से गलतियां हुई है। आयशा को ऐसे नेशनल टेलीविजन पे आके ये सब बातें, बाहर की दुनिया की बातें नहीं करनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।